विद्यार्थियों, इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत के अंतर्गत पाठ 3, अम्बा और भीष्म का प्रश्नोत्तर भाग। इससे पूर्व मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर साइस एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी अप टू डेट किया जाएगा, जो भी इसमें वीडियो डाला जाएगा, वह सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप इसे देख सकते हैं, प्रश्न उत्तर कर सकते हैं और पाठ को समझ भी सकते हैं। इस पाठ से संबंधित कोई भी समस्या हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, मैं तुरंत उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी है, उसमें इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर और भी अन्य बातें उसमें लिखी हुई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तर करते हैं। पाठ 3, अम्बा और भीष्म। पहला प्रश्न है, चित्रांगद ने किसके साथ युद्ध किया? इसका उत्तर है, चित्रांगद ने गंधर्व के साथ युद्ध किया। दूसरा प्रश्न है, विचित्र वीर के विवाह की चिंता किसे हुई? इसका उत्तर है, विचित्र वीर के विवाह की चिंता भीष्म को हुई। तीसरा प्रश्न, स्वयंवर किस राजा की कन्याओं का हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है, स्वयंवर काशी राज की कन्याओं का हुआ। प्रश्न चौथा, स्वयंवर सभा में खलबली क्यों मच गई? उत्तर है, भीष्म को स्वयंवर में सम्मिलित देखकर सभा में खलबली मच गई। प्रश्न 5, काशीराज की कितनी कन्याएं थी, उनके नाम बताइए। प्रश्न का उत्तर है, काशीराज की 3 कन्याएं थी, यथा पहली अम्बा, दूसरी अम्बिका, तीसरी अम्बालिका। छठवां प्रश्न, शाल्व कहाँ का राजा था? उत्तर, शाल्व सौभ देश का राजा था। सातवां प्रश्न, अम्बा ने किसे अपनी करुण कथा सुनाई? उत्तर, अम्बा ने परशुराम को अपनी करुण कथा सुनाई। इसमें ये 7 प्रश्न है, प्रश्न उत्तर को अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिए और याद कीजिए। धन्यवाद।